मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने पर हुए टकराव के बाद अमरावती के सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत ने उन्हें महाराष्ट्र का दुश्मन करार दिया है। संजय राउत ने शनिवार को कहा, पिछले कुछ दिनों से कुछ फर्जी हिंदुत्ववादियों ने हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए मातोश्री में माहौल खराब करने की कोशिश की है। सीएम आवास पर कुछ अलग करने की साजिश रची गई। बीजेपी ने उनके कंधों पर बंदूक रखकर हमला करने की कोशिश की है। नवनीत और रवि राणा महाराष्ट्र के दुश्मन हैं और पीछे पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं। शनिवार को दिनभर के हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद मुंबई पुलिस ने नवनीत राणा और रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके पहले सुबह से ही शिवसेना कार्यकर्ता बड़ी तादाद में नवनीत राणा के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करते रहे। उन्होंने पुलिस बैरिकेड भी तोड़ दिया। संजय राउत के अलावा शिवसेना नेता अनिल देसाई ने भी कहा कि राणा दंपति किसी और के कहने पर कानून व्यवस्था की समस्या पैदा कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर नाम नहीं लिया, पर उनका इशारा बीजेपी की ओर था। The way things they try to, whatever they try to dare the law institution, they try to create stunt. So now they are finding it because they were prompted by someone. Now those prompted characters have withdrawn. They have disappeared from the scene, and they are finding it very difficult to how to go about it. So they should have thought Hanuman Chalisa or to learn values of Hindu religion. If they are coming here, when as they said, Shiv Sainiks are there, they will teach them.